चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या जेनेटिक्स के बारे में बात किया था, उसके बाद प्री मेंडलिज्म बात किया था, फिर क्या है हमने लेक्चर ओवर कर दिया था। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडलिज्म के बारे में, तो मेंडलिज्म जो शुरुआत होगी मेंडल की कहानी से होगी, फिर मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था और मेंडल की कहानी क्यों हिडन रह गई थी और मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न क्या था, ये और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी बातें, फिर क्या क्या हाइपोथेसिस मेंडल ने दिया तो और उससे रिलेटेड क्या कौन कौन से लॉज बने, तो वो सारी बातें हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मेंडल, तो बात करें ऐसे हम बात करेंगे मेंडल। मेंडल जो है, तो मेंडल का अगर हम बर्थ बात करें तो क्या है, 22 जुलाई 1822, क्या है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ मेंडल, कहां, हेंजेंड्रॉफ सेलेसिया विलेज, हेंजेंड्रॉफ हो गया, विलेज का नाम सेलेसिया हो गया, कंट्री का नाम हो गया ऑस्ट्रिया, तो यहां ये पैदा हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलो मेंडल ने क्या कितना 1856 से 1863, ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा चुका है। तो मेंडल साहब ने कब से कब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एनसीईआरटी में ब्रैकेट में भी दे रखा है, तो ये बात आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या है अब सवाल यहां पर से, ये है कि ये तो पूछा, तो आप अगर 56 में 7 ऐड करेंगे तो 63, दैट मींस परफॉर्म फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेंडल साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे परफॉर्म किया फॉर 7 ईयर, कब से कब किया, 1856 से 1863, और किस पे किया, हमने बताया आपको पी प्लांट्स, और इसे गार्डन पी प्लांट्स बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है। आगे देखिए, इन्होंने अपने सारे रिजल्ट को जो एग्रीगेट किया, कॉन्क्लूड किया, वो कब किया, 1865 में, ठीक है, रिजल्ट्स या कॉन्क्लूजन्स एग्रीगेट्स एक साथ किया, ठीक है, देन क्या 1866 में इन्होंने क्या किया, पब्लिश्ड हिज रिजल्ट इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, जो अब क्या ब्रूनो बोलते हैं, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, ब्रूनो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने एग्रीगेट यहां किया क्या और क्या पब्लिश्ड यहां। तो ये जो मैगजीन के बारे में हम बात करेंगे कि साल में एक बार निकलता और एक ही सिटी में आता था, इसीलिए ये वन ऑफ द रीजन फॉर फेल्योर फॉर नॉट फॉर द हिडन ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट्स। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आगे, फिर उसके बाद अब यहां से क्या हुआ, अब देखो क्या है, 6 जैन 1884, ये यहां चले गए, क्या है डीओडी, डेट डेथ ऑफ डेट, डेट ऑफ डेथ हम बोल दें, लेकिन यहां से पहले जब सीपीएमटी ये सारे सवाल होते, कुछ इंट्रेंस होते थे, तो वहां ये सवाल पूछा जाता था, इनका डेथ का रीजन भी पूछा जाता था, तो क्या है ड्यू टू किडनी फेल्योर। लेकिन एक खास बात देखो, क्या इसको बोलते हैं ब्राइट डिजीज, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइट डिजीज, चमकीली बीमारी, अब ये खास थे तो इसीलिए नाम पड़ गया, तो ये याद रखने का है कि ये कैसे ड्यू टू किडनी फेल्योर। अब देखिए, अभी तक मेंडल को कहीं पर हमने ये नहीं लिखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, नहीं, आप ये यहां से ये बात आपको रिपीट हो सकता है सवाल, तो उसको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि 7 ईयर तक परफॉर्म किया था और उन्होंने पब्लिश्ड कब किया था, 1866, किस में किया था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो,
क्लियर, और मरे थे किसकी वजह कर, ये अब देखो यहां से 1900 क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल का रीडिस्कवरी 1900 में हुआ बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, परफॉर्म इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अलग अलग प्लांट्स पे, और उन्होंने ये बताया कि जो मेंडल साहब बोल रहे थे वो सारी बातें सही थी। और क्या है, ड्यू टू रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म इन 1900 मेंडल कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो यहां पर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन, मेंडल। तो मेंडल, सवाल ये बन सकता है व्हेन मेंडल वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स 1900, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बाय रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कौन साइंटिस्ट थे, तो कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी। इन्होंने किस पे काम किया था, मेज प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम जिया मेज। और क्या थे दूसरे साइंटिस्ट थे, क्या ह्यूगो डेवरीज, उन्होंने कहां होलैंड से थे और उन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना उसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बात करें तो हां, पहले ये सवाल पूछा जाता था कि ह्यूगो डेवरीज कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मेंडल के कॉन्क्लूजन और पॉस्टुलेट को रिपब्लिश्ड किया था, रिपब्लिश्ड, तो कौन, ह्यूगो डेवरीज, कब, 1901 में किया था, किसमें, फ्लोरा मैग्जियाना या फ्लोरा मैगजीन बोल दो। लास्ट जो मेंडल के ही कंट्री से थे, ऑस्ट्रिया, जिनका नाम क्या है, एरिच वॉन टेशकमार, क्लियर। तो इन्होंने किस पे काम किया था, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे काम किया था, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब इसके बाद हम आगे जो बात करें, ये तो क्या हो गया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो बात है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म जो कार्ल कोरेंस थे, तो उनके बेसिस पे, तो ये सवाल पूछता है और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो कुछ और दे रखा है, लेकिन अब यहां पर क्या है, अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू द कार्ल कोरेंस, तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, एंड सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद रखिएगा। तो इन सब डिस्कवरी से कार्ल कोरेंस ने दो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेकंड लॉ, क्लियर है। तो ये बात हमने कर लिया, अब यहां से हम बात करेंगे क्या रीजंस। तो एक चीज यहां से देखो, मेंडल क्या हुआ, पब्लिश्ड कब किया, ये अब इसमें हम क्या करें 34 ऐड कर दें, क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 1900। इसका मतलब मेंडल की कहानी कब तक हिडन रही, 34 इयर्स, ठीक है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि मेंडल ने जो अपने पॉस्टुलेट को, अपने रिजल्ट को पब्लिश्ड किया था, उसके कितने साल बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, 34। फिर सवाल ये है कि मेंडल के मरने के कितने साल बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, तो ये देखिए, तो इसमें आप 16 इयर्स, तो 16 साल, क्लियर है। तो पब्लिश्ड के 34 इयर्स बाद, डेथ के 16 इयर्स बाद क्या बोला गया, मेंडल कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कि मेंडल की कहानी हिडन क्यों रही, रीजंस फॉर हिडन ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट। तो देखो, तो यहां पर ये थ्योरेटिकल बात है, हम आपको सुनाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहली बात क्या है, जो मेंडल साहब ने जब दिया था, ये कब था, 1866 में पब्लिश्ड किया, तो उस वक्त 1859 ईयर्स, याद कीजिए दैट ईयर्स क्या है, एरा ऑफ डार्विनिज्म, क्यों, क्योंकि डार्विन साहब ने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट दिया था
क्या है, स्पेसिएशन का। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, स्पेसिएशन का। दैट मीन्स इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बिजी इन नोइंग व्हाट डार्विन हैड सेड। क्या बता रहे हम आपको, रीजन फॉर हिडन, ठीक है, ऑफ मेंडलिज्म फॉर 34 इयर्स। पहला रीजन, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बिजी इन नोइंग व्हाट डार्विन हैड सेड इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। अपने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन साहब ने क्या बोला है, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। सेकंड, मेंडल साहब ने जो जिस मैगजीन में पब्लिश्ड किया था अपने रिजल्ट को, वो क्या था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बुना। ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वो साल में एक बार एनुअल मैगजीन था, साल में एक बार, और एक ही सिटी, दैट इज बुना में निकलता था। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अलग अलग क्या है कंट्री, अलग अलग सिटी में रहने वाले साइंटिस्ट को इनके बारे में पता नहीं चल पाया। थर्ड रीजन क्या है, तो मेंडल, थर्ड रीजन अगर बात करें तो मेंडल हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड आइदर हिज रिजल्ट वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और नॉट। क्यों, तो ये क्या था, देखो दोस्त यहां पर भी आ गए, तो इनके क्या थे, इनके कलीग थे जिनका नाम कार्ल नेगेली, क्या है, कार्ल नेगेली को हम, ये भी नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। इनके सजेशन पे मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो पी प्लांट पे किया था, उसका क्या था, हियार्शियम, ठीक है। हियार्शियम क्या है, जीनस ऑफ सन फ्लावर, ठीक है। बट जैसे कार्ल नेगेली के सजेशन पे इन्होंने, कार्ल नेगेली के सजेशन पे हियार्शियम पे काम किया जो पी प्लांट पे किया था, वैसा रिजल्ट इनको नहीं मिला। बट मेंडल हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड आइदर हिज रिजल्ट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है, क्योंकि मेंडल साहब तो क्या थे, मैथमेटिशियन थे, क्या थे, ऑस्ट्रियन मॉक थे, ठीक है, बायोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते थे, ये बात। तो यहां पर ये हुआ, तो ये रिजल्ट यहां पर क्या लिखेंगे, मेंडल फेल्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट एज इन पी प्लांट, मेंडल फेल हो गए। रीजन, इनको नहीं पता था, तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में पता चला कि फेल होने का रीजन क्या था। तो ये जो है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, तो जाहिर सी बात है अगर बात करें तो वेरिएशन किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कहां आएगा, नहीं आएगा, और वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये बात बाद में पता चली, मेंडल साहब को नहीं पता चला, तो ये था रीजन, ठीक। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये अगर मोनोहाइब्रिड बात करें तो 1:2:1 जेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो 3:1, डाइहाइब्रिड बात करें तो 9:3:3:1 रेशियो क्या हो जाएगा, ये फेनोटिपिक रेशियो 1:1 to 1:1 to 4:1 to 1, क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, जेनोटिपिक रेशियो, जो कि पी प्लांट पे आया था मेंडल का, लेकिन इन पे नहीं आया था। तो मेंडल हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड आइदर हिज रिजल्ट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और नॉट। अब लास्ट जो रीजन है वो क्या है, मेंडल साहब मैंने अभी भी बोला क्या है, मैथमेटिशियन थे, तो यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल्स, लॉजिक एंड टूल्स यूज कर लिया, जो कि उस वक्त के साइंटिस्ट इस चीज़ से फैमिलियर नहीं थे, ठीक। तो ये रीजन आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडलिज्म, रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडलिज्म, बताइए क्या हो सकता है रीजन फॉर द सक्सेस। तो मेंडल साहब ने क्या लिया, सेलेक्ट ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट। अब पी कौन सा हमने बताया था, गार्डन पी प्लांट, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, ठीक है। और इन्होंने क्या वैसे कैरेक्टर पी प्लांट के लिए, अब देखो मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर कहां से शुरुआत किया था, 34 कैरेक्टर से, फिर बाद में उसको 22 पे रुके और एट लास्ट कहां 7 पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये सवाल बन सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, 34 से शुरुआत किया था, फिर 22 पे आए थे और लास्ट जो है वो 7 कैरेक्टर, जिसको आप
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो सेवन। अब मेंडल साहब ने वो सारे कैरेक्टर लिए जो ना इंटरेक्शन शो करते थे, ना लिंकेज शो करते थे, ना इंडिपेंडेंट। ये मेंडल को क्या है, लकली था, मेंडल को तो खुद नहीं पता था ये सारी बातें, ठीक। तो मेंडल साहब ने वो कैरेक्टर लिया था जो जिसका जीन सेम क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता, लकली। सवाल पूछा हुआ आपके एंट्रेंस में, ठीक है। तो मेंडल को जो रिजल्ट आया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, और क्या है, मेंडल साहब ने क्या है 2 to 3 जनरेशन और उससे आगे परफॉर्म किया था, एक साथ एक या दो या तीन कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड पे क्रॉस किया था, क्लियर है। और इन्होंने अपने सारे रिजल्ट कॉन्क्लूजन को क्या है एग्रीगेट करके रखा था, क्लियर, समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, नेक्स्ट हम बात करें तो मेंडल, अभी बताया ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, मेंडल वॉज लकी टू नॉट कंसिडर डैट कैरेक्टर्स ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे मेंडल साहब ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। तो देखो आप, एक तो क्या लिया, सीड शेप लिया, सीड कलर लिया, पोड शेप लिया, पोड कलर लिया, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, जिसको आप प्लांट हाइट भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, देखो क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसको आप ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको आप ट्रेड भी बोल सकते हैं, इन सबको आगे हम डिफाइन करेंगे टर्मिनोलॉजी टॉपिक करके, क्लियर। तो यहां पर देखो एक क्या है डोमिनेंट, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए। दूसरा क्या है रेसेसिव, ठीक, डोमिनेंट रेसेसिव। तो सीड शेप के लिए क्या हो गया राउंड, और इधर क्या हो गया रिंकल, क्लियर है। आपके एंट्रेंस में इस तरह से भी सवाल पूछ लेता है क्या, कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रेसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा, सीड कलर में क्या हो जाएगा बोलो येलो, और क्या होगा ग्रीन। पोड शेप मटर का छिलका, ठीक है, क्या हो जाएगा पोड शेप फुल, कहीं कहीं क्या होता है फ्लैटेन भी लिखा होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड, क्लियर। और पोड कलर बात करें तो इसको उल्टा कर दो, ग्रीन येलो, क्लियर। फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सिल या एक्सियल और टर्मिनल, क्लियर। और स्टेम हाइट या प्लांट हाइट टॉल, और इधर क्या हो गया ड्वार्फ, ठीक। तो अब यहां से देखो आपको तो ये समझ में आ रहा है, ये रॉन्ड इस तरीके से दिखा दो, एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम के साथ, रिंकल ऐसे सिकुड़ा दिखा दो, येलो कलर क्या दिखा है हम कहां से, मार्कर ही नहीं मेरे पास, ठीक। फुल कहने का मतलब ये देखो, ऐसे ये दिख रहा है ना, फिर क्लियर है। और यहां पर अगर हम बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखो इसी को ऐसे कर दे, ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब देखो क्या है, कलर हो गया एक्सियल, कहने का मतलब क्या हो गया, आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, ये स्टेम, स्टेम मान लो ये, ठीक है। तो ये एक्सिस, ये एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। टर्मिनल क्या हो गया, यहां पर टिप पे ऐसे दिखा दो, तो दिस इज टर्मिनल एंड दिस इज एक्सियल, क्लियर है ना। तो अब देखो, एस ब्लिक्स नाम के साइंटिस्ट आए, कौन, एस ब्लिक्स,
इन्होंने बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है। इन्होंने क्या बताया कि 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, जीन्स फॉर 7 कैरेक्टर्स दैट इज कंसिडर्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट लाइक ऑन बताओ 4 different chromosomes, क्या 4 different chromosomes, 4 अलग अलग क्रोमोजोम्स पे, वो कौन था? तो देखो इसको हम इस तरीके से याद करते, देखो एस एस साथ साथ, साथ आ रहा है ना, साथ साथ मतलब सीड और ये क्या हो गया शेव, ध्यान रखिएगा क्रोमोजोम नंबर 7, साथ साथ, ठीक है। अब देखो पीसी 5वीं क्लास मतलब पोड कलर, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 5, क्लियर है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हम किसी को भी हार्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बस याद कराना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा एफ सी एंड एस सी, एफ सी फर्स्ट क्लास बोल दो, एस सी शेड्यूल क्लास, शेड्यूल कास्ट बोल दो, इनको क्या है प्रायोरिटी 1 दिया जाता, मतलब क्रोमोजोम नंबर 1। तो क्या हो गया ये फ्लावर कलर और क्या हो गया ये सीड कलर, ठीक है, क्रोमोजोम जो बच गया वो क्या हो गया क्रोमोजोम नंबर बोलो 4, क्लियर। तो आप ये याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता है क्या कि 4 different chromosomes, तो क्रोमोजोम कौन कौन हो गया, क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 4, क्रोमोजोम नंबर 5 एंड क्रोमोजोम नंबर 7, 4 different chromosomes पे पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात आप उतार लें इस चीज को और उसके बाद हम आगे बात करते हैं, क्लियर। तो ये देखो ये सारी बातें हमने कर लिया, अब आगे बात करेंगे टर्मिनोलॉजी, क्लियर हटा दें। तो अब देखो हमने इतनी बात बोला तो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है, सवाल एनसीईआरटी में नहीं पूछ सकता है कि एज कौन कितने क्रोमोजोम, 4 different chromosomes पे जीन पाया जाता था जो कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किया, क्लियर। आगे बढ़ो, इसको हटाते हैं। अब देखो हम टर्मिनोलॉजी से आते हैं, तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो क्या है, देखिए गैमेट, तो गैमेट क्या होता है जल्दी बताओ, गैमेट, गैमेट बोलेंगे अ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, या मैच्योर सेल दैट इज रेडी टू फ्यूज, याद रखिएगा वैसा सेल जो फ्यूज करने के लिए प्रिपेयर हो, एंड गैमेट इज, अब देखो ये तो सिंपल बोल दिया, अब इसके बारे में याद रखिएगा, इसको आप जर्म सेल भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और भी इंपॉर्टेंट क्या है ये हैप्लॉइड, ऑलवेज क्या होगा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कहने का मतलब एन, एन कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, एंड गैमेट इज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है, किसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर क्या है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो माइटोसिस से होगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मियोसिस से होगा। तो गैमेट कहने का मतलब अ मैच्योर सेल और डिफरेंशिएटेड सेल दैट इज रेडी टू फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, गैमेट इज जर्म सेल, गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। आइए तो देखो एक क्या हो जाएगा मेल गैमेट और एक क्या होगा फीमेल गैमेट, अब ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या होगा, इसको एन मान लो हैप्लॉइड, ये भी मान लो एन हैप्लॉइड, तो ये क्या बनेगा 2n, दैट मीन्स डिप्लॉइड, और इसको क्या बोलिएगा सिंगेमी, आपको पता है सिंगेमी किसका दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, तो ये क्या हो गया जाइगोट। तो अब जाइगोट का डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, पहली बात जाइगोट के बारे में क्या है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन,
फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. क्लियर ये चीज. और ये क्या होगा, यूनिसेलुलर. सिंगल सेल्ड का होता है, डिप्लॉइड होता है, फिर इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, और वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा, एक नया यंग वन डेवलप्ड होगा. क्लियर. अब इसके बाद हम आते हैं क्या, कैरेक्टर. तो जल्दी बताइए कैरेक्टर क्या होगा. कैरेक्टर जब आप स्कूल में होते हैं ना, तो फिर लेते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस पर सब पे लिखा होता है गुड, क्योंकि स्कूल वाले को तो सही देना है, क्योंकि दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है. ठीक है, तो देखो ये कैरेक्टर क्या है, फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल, इंसान की खासियत, किसी भी ऑर्गेनिज्म की खासियत, बस फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर. लेकिन अब बात करें कैरेक्टर अच्छा भी हो सकता है बुरा, तो दो पहलू हो गए, अच्छा और बुरा, दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट. तो इसको नेक्स्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. समझिएगा, कैरेक्टर आपने सिर्फ बोला तो फीचर्स बोल दिया. अब फीचर्स, फीचर्स कैसा है, किस टाइप का है, तो उसको आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड. क्लियर. अब इसको कैसे समझे, जैसे अगर आपने क्या बोला, स्टेम हाइट, दैट मीन्स इट इज कैरेक्टर. ठीक है, तो एक क्या हो सकता है, टॉल, और दूसरा क्या हो सकता है, ड्वार्फ. तो बोलो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. एक के दो फॉर्म. अब देखो आपने कभी भी ऐसा पढ़ा है कि जब हमने स्टेम हाइट को क्रॉस कराया और स्टेम हाइट को स्टेम हाइट से क्रॉस कराया, नेक्स्ट जनरेशन में स्टेम हाइट मिला, ऐसा कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा. आपने पढ़ा है टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करें तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिलता है, हमें टॉल मिलता है. ठीक है, टॉल को टॉल से क्रॉस कराएं प्योर से तो टॉल मिलेगा, ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराएं तो ड्वार्फ मिलेगा. दैट मीन्स कैरेक्टर, अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टर दैट आर इनहेरिटेड जनरेशन टू जनरेशन या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्लियर है, चलिए आइए. तो आपने बोल दिया कैरेक्टर, फिर आपने बोला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्लियर है. अब इसके बाद हम बात करें फैक्टर्स. देखो क्या है फैक्टर, पहले भी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था फैक्टर, और इसके दूसरे आप बात करेंगे तो बाद में क्या हो गया, जीन. समझिएगा क्या है जीन. तो फैक्टर और जीन अलग नहीं है. मेंडल ने जीन को जो यूज किया जीन के लिए वर्ड, दैट इज फैक्टर. क्लियर है. और जीन बाद में जोहानसेन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि जो मेंडल साहब जिस चीज के बारे में बोलते थे कि क्या है ये, क्या बोलते हैं, समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट समथिंग इज फैक्टर. और ये जोहानसेन आए कहा कि दैट थिंग इज जीन. ठीक है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर है. तो सवाल यहां से जो पूछेगा, जीन की जगह जो वर्ड यूज किया था मेंडल ने उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर. क्लियर. और उसको फैक्टर रिप्लेस बाय जीन. ठीक है, किसने किया, जोहानसेन. क्लियर है, ये उतार ले जल्दी. अब देखो तो हम बात करें जीन, हमने बताया देखो फैक्टर्स. अब देखो आप जो किताब में पढ़ते हो, इधर देखो, चलो आप जीन बोलो, तो जीन के बारे में आप क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन को क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर. और जीन के बारे में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस कैरेक्टर. मतलब क्रोमोसोम और डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे. इसका मतलब हो सकता है कुछ पार्ट नहीं भी करता हो. तो यहां पर एक बात आ गई कि एवरी जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बट एवरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट जीन. ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं. तो देखिए तो ये चीज और क्लियर कहां होगा, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे. तो जैसे ये देखिए, हमने एक क्रोमोसोम बना लिया. क्लियर है,
तो ये क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड्स सेंट्रोमियर, उसमें मतलब नहीं है हमें। तो देखो ये है, क्लियर। अब देखो यहां पर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे जेनोमिक डीएनए, मतलब जेनोमिक डीएनए कहने का मतलब, और इसी को आप क्या बोल दीजिएगा, जीन, दैट मींस रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अब मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इसको आप नॉन जेनोमिक डीएनए, क्लियर है, नॉन जेनोमिक डीएनए, नॉन जीन बोल देंगे, नॉन जीन, ये जीन नहीं है, क्लियर। तो अब हमने बनाया क्रोमोसोम, लिख रहे हैं डीएनए, तो इसका मतलब होता क्या है, क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। ये हम जब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो पैकिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, वहां पर क्या है डीएनए, ये कौन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया यूकैरियोट्स में, क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, सवाल पूछा हुआ याद रखिएगा, और बेसिक होता है ड्यू टू लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड, ये क्या होता है निगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्या निगेटिवली चार्ज्ड और एंड एसिडिक होता है, तो क्यों, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको जीन बना बता दिया, फिर उसके बाद अब जीन लोकस देखो क्या है, ये देखो ये पूरा क्रोमोसोम था, जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम का वो पोजीशन जहां जीन लोकेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीन लोकस। अब अगला आता है जीन पोल, क्या जीन पोल, तो हम बात करेंगे जीन पोल क्या होगा, पर्टिकुलर जन ये पॉपुलेशन का एग्रीगेट फॉर्म में अगर हम जीन बात करें दैट इज कॉल्ड जीन पोल। अब नेक्स्ट आ गया जेनोम, क्लियर, तो देखिए अभी बताया था जेनोम, ठीक है, तो ये जेनोम क्या होता है, सिंगल बट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या सिंगल बट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे आइए, क्या है सिंगल बट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को आप क्या बोलेंगे, जेनोम। तो देखिए अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स, तो 46, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। अब आइए इसको आप 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, क्लियर। अब देखो इसी चीज को आप क्या लिखते हैं, 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स वाई बोलते हैं, दैट इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल, ठीक है, तो हम क्या है इसको क्या बोलेंगे 2n, दैट मीन्स डिप्लॉइड कंडीशन 2n इज इक्वल टू 46, यहां पर भी क्या लिख लीजिएगा 2n, यहां पर भी 2n, तो जेनोम ऑफ ह्यूमन क्या हो गया, n इज इक्वल टू 23, क्या बोलिएगा, जेनोम ह्यूमन का n इज इक्वल टू 23, अगर ह्यूमन बोला सिंपल तो 23, अगर ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल बोला तो ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, तो फीमेल में तो आप डायरेक्ट क्या बोल दें 23, n इज इक्वल टू 23, क्लियर है, लेकिन यहां पर 22 x एंड y, तो कितना हो गया देख लो, 22 ऑटोसोम हो गया एंड 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम इन मेल, तो ध्यान रखिएगा क्लियर इंपॉर्टेंट, 24 हो गया ना, यहां 23 हो गया, यहां 24 हो गया। अगर आपसे सवाल पूछ लिया स्पेसिफाई करके ह्यूमन मेल का जेनोम बताइए नंबर, तो क्या आप 22 ऑटोसोम और एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम, दैट मींस 24, अगर फीमेल में बात किया तो 23, क्यों, क्योंकि क्या है सेक्स क्रोमोसोम एक जैसा है, क्लियर, अगर सिंपल ह्यूमन बोला तो 23 पे लगाएंगे, क्लियर। अब देखो आगे,
अगर इन है तो हैप्लोइड बोलो या मोनोप्लॉइड बोल दो, प्लॉइड मतलब प्लॉइडी। अब यहां से देखिए आइए क्या बोलेंगे आप, इसको हटा देते हैं हम, आइए तो क्या है प्लॉइडी मतलब नेचर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्लॉइडी। अब देखो अगर एक है तो मोनोप्लॉइडी, दो है तो डिप्लॉइडी, थ्री है तो ट्रिप्लॉइडी, और ट्रिप्लॉइड डिप्लॉइड और मोनोप्लॉइड, क्लियर, और उससे ज्यादा चार है तो टेट्राप्लॉइड, पांच है पेंटा, छह हेक्सा, और आगे बढ़े तो पॉलीप्लॉइडी मीन्स मेनी, क्लियर है, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब मेनी। तो देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, पॉलीप्लॉइडी मोर ऑफन सीन इन प्लांट, और यह सवाल आपके एंट्रेंस में भी पूछा गया, क्लियर है, पॉलीप्लॉइडी कॉजेटिव एजेंट होता है। पॉलीप्लॉइडी होता क्या है, जब आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ेंगे नॉन डिसजंक्शन पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होता है, देखो दो, एक तो क्या होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे अभी बात किया 2n इज इक्वल टू 46 है ह्यूमन का। अब देखो अगर क्या है नॉर्मल तो ये हो गया, क्या है क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, या पूरा का पूरा सेट बदल जाए, ठीक है। तो यहां पर बोलते हैं एक तो एनाप्लॉइडी और दूसरा पॉलीप्लॉइडी, वो आगे डिसऑर्डर है, वो म्यूटेशन है, अगर इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम ज्यादा हुआ तो उसको एनाप्लॉइडी बोलते हैं, पूरा सेट बदल गया, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पर होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स एट एनाफेज स्टेज, ठीक है, तो एनाप्लॉइडी वो होता है। पॉलीप्लॉइडी किसको आप बोलेंगे, वहां पर सारे चीज कंप्लीट हो गया सेट, लेकिन क्या है साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी के बारे में याद रखिएगा, सवाल पूछता है पॉलीप्लॉइडी मोर ऑफन सीन इन प्लांट, क्लियर, पॉलीप्लॉइडी क्या है कॉजेटिव एजेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन क्या है सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा प्रोटियस हो गया, ठीक है, और ऑफियोग्लोसम हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो अब आ रहा है क्या है एलील, ठीक है, तो जीन हमने बात कर लिया, तो एलील बताओ, एलील शॉर्ट फॉर्म है इसका पूरा नाम एलीलोमॉर्फ, क्या बोलेंगे एलीलोमॉर्फ। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एलीलोमॉर्फ टर्म किसने दिया, विलियम बैटसन ने। तो एलील और एलीलोमॉर्फ क्या होगा, इसको बोलेंगे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, क्या हो गया एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब देखो ये बनता क्या कैसे, तो एक क्या हो गया जैसे इस तरह देखो डोमिनेंट एलील और दूसरा क्या हो गया रिसेसिव एलील। तो अब सवाल कंफ्यूजन होता है कि हम एलील किसको बोलेंगे और जीन किसको, जैसे आप एक एग्जांपल ले लें स्टेम हाइट, तो कैरेक्टर है, तो स्टेम हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है जीन हो गया। तो हमने जब टी बोला तो क्या आपको पता चला कि कैपिटल टी बोल रहे हैं या स्मॉल टी, नहीं, तो टी जस्ट क्या है जीन है। अब टी में भी क्या है, अगर आपने स्मॉल टी बोला या कैपिटल टी बोला दैट मीन्स टी का फॉर्म बोल रहे हैं दैट इज एलील, आ रहा है ध्यान रखिएगा टी दैट मीन्स जीन, एंड अगर हम बोलते कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दैट इज एलील, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एलील। तो ये डोमिनेंट एलील और रिसेसिव ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स अब क्या है स्टेम, हम यहां पर स्टेम हाइट कैरेक्टर, क्लियर, तो डोमिनेंट ये आप लिख लें फिर उसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ये यहां तक। तो एलील के बारे में हमने बोला डोमिनेंट और रिसेसिव, इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, फिलहाल आप इसको लिख लें, ओके चलो। तो देखिए आपने ये एलील देखा, इसको हटाते हैं,
एलील का अगर आप देखो पूरा जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो भी आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है. एलील दैट मीन्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर मान लो क्रोमोसोम होमोलोगस है लेकिन लोग क्या है लोकस सेम नहीं है तो भी वो नॉन एलीलिक हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे हमने आगे पहले बोला था ये कुछ बात, तो इस तरह इधर देखिए क्या है. एवरी एलील इज अ फॉर्म ऑफ जीन बट एवरी फॉर्म ऑफ जीन इज नॉट एलील. समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरा फॉर्म उसका नॉन एलीलिक जीन भी होगा अगर लोकस डिफरेंट हो गया होमोलोगस पे या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है. क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा. अब देखो एलील आपने पढ़ा, दैट मींस यहां से नेक्स्ट जो आएगा वो होमोजाइगस, ठीक है, और हेट्रोजाइगस. तो देखो हम समझा रहे हैं, होमो मीन्स क्या हो गया, होमो मीन्स सिमिलर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जाइगस वर्ड ले लो जाइगोट से, जाइगस वर्ड ले लो जाइगोट से. तो अब इस चीज को समझिए, दैट मीन्स क्या है गैमेट, देखो ये गैमेट हो गया. अगर एक गैमेट कैपिटल टी लेके आ रहा है, दूसरा गैमेट भी कैपिटल टी लेके आ रहा है, दैट मीन्स इसको आप मान लो मेल गैमेट और इसको मान लो फीमेल गैमेट, ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो क्या बनाया, जाइगोट बनाया. तो इसको आप सिंपल पहले लिखो क्या जाइगोट, अब यहां लिख दो क्या होमोजाइगोट. क्लियर है, इसका मतलब वैसे जाइगोट जिसमें क्या है सेम टाइप और सेम फॉर्म ऑफ एलील हो तो उसको होमोजाइगोट बोलेंगे और उस कंडीशन को होमोजाइगस. अब डेफिनेशन देख लो क्या है, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ एलील. मतलब गैमेट के फॉर्मेशन फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है और वो गैमेट सेम टाइप ऑफ एलील रख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे होमोजाइगोस. जाइगोट तो कंडीशन को होमोजाइगस. क्लियर, अब इसका देख लो एक और फॉर्म, स्मॉल टी, स्मॉल टी लेके आया, अब ये फ्यूज किया तो क्या बना दिया जाइगोट. अब यहां भी देख लो क्या हो गया, इसको भी आप लिख दो क्या जाइगोट, और एलील कैसा है सेम तो होमोजाइगोट और कंडीशन को होमोजाइगस. क्लियर, अब देखिए अभी हमने ये नहीं बोला कौन डोमिनेंट टॉल है, कौन ड्वार्फ है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, नहीं अभी आगे बात करेंगे. फिलहाल आपने होमोजाइगस कंडीशन पढ़ा, अब देखो हेट्रोजाइगस क्या है, गैमेट कैपिटल टी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से स्मॉल टी आ रहा है. एक गैमेट कैपिटल टी कैरी कर रहा है और दूसरा गैमेट स्मॉल टी, मतलब गैमेट जो फ्यूज हो रहा है और जाइगोट बना रहा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन रख रहे हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलिएगा, पहले तो आप लिख दो क्या जाइगोट. क्लियर, और यहां लिख दो हेट्रो मीन्स हेट्रोजाइगोट, और उस कंडीशन को आप क्या बोलिएगा हेट्रोजाइगस. अब क्या देखा गया कि इस कंडीशन में भी ये क्या है टॉल है. समझ में आ रहा है, फिर देखा गया इस कंडीशन में भी ये टॉल है, इसका मतलब स्टेम हाइट कैरेक्टर है और उसका जो फॉर्म टॉल है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में. क्लियर है, अब ये देखो ये क्या है ड्वार्फ है. तो क्लियर समझिएगा, अब देखो यहां से हम बात करें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टी का दो फॉर्म वन कॉल्ड कैपिटल टी एंड अदर कॉल्ड स्मॉल टी, इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है. आ रहा है समझ में, इन दोनों कंडीशन में ये क्या हो रहा है टॉल और इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है ड्वार्फ.
इसका मतलब देखो समझिएगा, अब अलग अलग कर दिया। कैपिटल टी अगर कैपिटल टी के साथ आता है तब भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आता है तब भी टॉल। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ कैपिटल टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट एरो पे ध्यान दीजिएगा, उधर नहीं बोल रहे, डोमिनेंट एलील। आ रहा है समझ में? और ये देखो, लेकिन क्या देखा गया कि अगर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी ही आएगा तब जाकर के वो ड्वार्फ होगा। मतलब स्मॉल टी के साथ अगर एक कैपिटल टी आ गया तो वो टॉल हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसीलिए आपने स्मॉल टी को क्या बोल दिया, रिसेसिव एलील। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डेफिनेशन क्या बोलिएगा? एलील डेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन डेट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। एलील डेट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन डेट इज रिसेसिव एलील। क्लियर है? आइए, तो हमने आपको यह बताया। नेक्स्ट हम बात करें तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म किसने दिया, ये भी एक सवाल है, बताइए। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टर्म गिवन बाय, जल्दी बताओ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म गिवन बाय जोहानसेन ने दिया या विलियम बैटसन ने दिया, जल्दी बताइए। तो विलियम बैटसन ने दिया। किसने दिया? विलियम बैटसन। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब देखो एक टर्म आ रहा है, हेमीजाइगस। ये जब आप सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से क्लियर होगा। हेमीजाइगस का डेफिनेशन समझिएगा, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके सारी बातें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। हेमी मींस हाफ, जाइगस मींस जाइगोट, ठीक, मतलब वो जाइगोटिक कंडीशन। तो जाइगोट कैसे, पेरेंटल एंड मैटरनल और क्या पैटर्नल कैरेक्टर, मम्मी और पापा से आता है, ठीक है, तो फादर और मदर बोले तो एक क्या है, हाफ सेट फ्रॉम फादर एंड हाफ सेट फ्रॉम मदर। तो एक क्रोमोजोम फादर से, क्रोमोजोम मदर से, क्रोमोजोम के ऊपर होता क्या है, जीन, ठीक है। तो पेयर में जो दो क्रोमोजोम है उस पर एक ही पेयर का एक ही जीन आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। समझिएगा, क्लियर है ना? तो पेयर मतलब जैसे अभी आपने देखा ना कि एलील कितना भी हो जाए लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो पेयर में ही रहेगा और वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इस कंडीशन में पेयर में एक ही एलील आएगा, आ रहा है समझ में, एक क्रोमोजोम, पेयर ऑफ क्रोमोजोम पे एक ही एलील आएगा तो उसको हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे। आप देखो एग्जाम्पल लेके समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इन साथ में मेल, इंपॉर्टेंट, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इन मेल इज एग्जाम्पल पूछा जा चुका है हेमीजाइगस। कैसे, देखो आप पढ़ चुके हो, हम आपको बता रहे हैं क्या, सॉरी, अगर आप बात करें कलर ब्लाइंडनेस, क्या बात करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक कहने का मतलब उसका जीन किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो मेल का देखिए एक्स वाई होगा, अगर कैपिटल सी आया तो बोलो क्या होगा, ये नॉर्मल मेल होगा। अगर क्या है स्मॉल सी आया तो ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल। क्लियर है? कलर ब्लाइंड। तो ये देखो एक ही आ रहा ना, मतलब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो कहां नहीं पाया जाता, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता। इसी तरह देखो
हेमोफीलिया, ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल जीन डिसऑर्डर, इसको लीथल नहीं बोला, इसको लीथल मतलब होमोजाइगस कंडीशन में डेथ। आइए तो ये देखो फिर क्या, मेल एक्स वाई, क्या हो गया कैपिटल एच आया तो ये नॉर्मल क्या है मेल रहेगा, अगर एक्स स्मॉल एच वाई आ गया तो ये हेमोफिलिक नॉट एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन और एट क्या है बिफोर गेनिंग द रिप्रोडक्टिव एज दे विल डाई, ये चीज तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया पेयर का एक ही क्या है एलिलिक फॉर्म क्रोमोजोम पे आता है तो उसको आप बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन, क्लियर समझिएगा। आइए तो देखो होमोजाइगस हेटरोजाइगस हेमीजाइगस, अब देखो आप चलते हैं, संडे आया हम चले कहाँ शॉपिंग करने, ठीक है अब हम चले शॉपिंग करने, तो शॉपिंग गए तो हम क्या देखा क्या है बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें शोरूम्स होता है, शोरूम में क्या है सबसे बाहर से आप देखते हो तो क्या है ग्लास, शीशे का ग्लास क्या होता है गेट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट गेट होता है और बाहर से क्या वो अट्रैक्टिव क्या है वो चीज़ दिखाते हैं जो आपको पसंद आ जाए। तो अब क्या है हम गए भाई, ठीक है अब हमें मान लीजिए कोई शर्ट पसंद आया, पहले तो हमने बाहर से देखा वो पसंद आ गया, अंदर गए फिर क्या देखा, अब क्या करना है लेना या नहीं लेना, लेना नहीं लेना कौन डिसाइड करेगा प्राइस टैग। अब गए साइड से देखा क्या, अच्छा भाई तो फिर क्या है, अब देखो बाहर से वो पसंद आया था लेकिन जैसे हमने प्राइस टैग देखा तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर हुआ कि लेना या नहीं लेना, मतलब अगर पैसा औकात से ऊपर है तो समझ लो कि वो नहीं लेना है, तो वही अच्छी चीज आपके लिए बुरी हो गई, लेकिन औकात के अंदर है तो फिर वो आपके लिए बुरी भी अच्छी हो गई। आ रहा है समझ में, इसका मतलब अब देखो मैंने क्या बोला, बाहर से देखा पसंद आया, अंदर गए प्राइस टैग देखा, प्राइस टैग देखने के बाद डिसाइड हुआ कि ये क्या लेना है या नहीं लेना, समझिएगा अब इसी चीज को हम रिलेट कर रहे हैं, मतलब अगर हमने स्टेम हाइट बोला कैरेक्टर, अगर हमने टॉल बोला तो क्या हो गया फेनोटाइप, फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे फेनोटाइप, अगर उस फेनोटाइप का जीन कॉम्बिनेशन जीन कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं दैट मीन्स इट इज जेनोटाइप। आ रहा है समझ में, तो फेनोटाइप क्या हो गया फिजिकल अपियरेंस, जेनोटाइप क्या हो गया जीन कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इस चीज को समझिए, अगर आपने होमोजाइगस टॉल बोला तो मतलब क्या हो गया कैपिटल टी, फिर आपने बोला हेट्रोजाइगस टॉल, इसका मतलब क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी टॉल ये भी टॉल, तो इसको क्या बोला हमने टॉल, तो दिस इज फेनो टाइप, बाहर से देख के बात करें तो फेनोटाइप, जीन कॉन्स्टिट्यूएंट देख के बात करें तो क्या हो गया जेनोटाइप। आ रहा है समझ में जेनोटाइप। अब देखो एक आता है क्या फेनोकॉपी, क्या बोलेंगे फेनोकॉपी, फेनोकॉपी मतलब फिजिकल अपियरेंस, तो ध्यान रखिएगा फेनोकॉपी। तो अब देखो फेनोकॉपी का मतलब क्या हुआ इस तरीके से, ठीक तो एक हमने क्या लिया टॉल लिया, ठीक और दूसरा हमने क्या लिया ड्वार्फ लिया, ड्वार्फ। अब हमने एक्सटर्नली इसमें हमने ऑक्सीन प्लस जीए जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, तो फिर देखो यही चीज क्या हो गया तो ये ऐसा हो गया, लेकिन अगर ये ड्वार्फ है तो इसका मतलब क्या हुआ स्मॉल टी, अगर ये टॉल है तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है
आ रहा है, तो ये देखो, लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, ये दोनों अब क्या हो गया, टॉल, कैसा, फेनोटाइपिकली टॉल, समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, फेनोटाइपिकली सिमिलर, दैट इज टॉल, बट जेनोटाइपिकली दिस सिमिलर, क्लियर है। तो फेनोकॉपी कहने का मतलब वो दो ऑर्गेनिज्म जो फेनोटाइपिकली सिमिलर होते हैं बट जेनोटाइपिकली डिफरेंट होते हैं, उन दोनों को आपस में हम क्या बोलते हैं, फेनोकॉपी, कॉपी किस कैसे, फेनोटाइपिकली, ये बात हो गया। तो फेनोटाइपिकली कॉपी, दैट मीन्स फेनोकॉपी, ये आप उतार लें। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रॉस, तो क्रॉस देखो यहां पे क्या है, क्रॉस, तो देखो क्रॉस क्या होगा, क्रॉस हम सिंपल बोलेंगे मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअली विच आर सेक्सुअली डिफरेंट, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, ठीक है, तो सिंपल ये हो गया क्रॉस। अब देखो यहां पर अगर आपने एक कैरेक्टर, कोई भी एक क्रॉस है जिसमें सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, अगर एक साथ दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे, इस क्रॉस मतलब मेटिंग बिटवीन टू सेक्सुअली डिफरेंट इंडिविजुअल, क्लियर इसको, तो एक हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, दैट इज मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक टाइम में दो कैरेक्टर को, तो देखो मोनो हाइब्रिड, टॉल को किससे क्रॉस करा दिया, ड्वार्फ को, दैट मीन्स कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। अब देखो क्या है, रॉन्ड येलो सीडेड को क्रॉस करा दिया किससे, रिंकल ग्रीन सीडेड पी प्लांट, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड। अब देखो सर ये आप बताओ, आप तो इसको क्रॉस बोला, तो आप मोनो क्रॉस और डाई क्रॉस क्यों नहीं बोला, हाइब्रिड वर्ड एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर दिया, तो देखो यहां पर हाइब्रिड वर्ड लिखने का मतलब क्या है, कि जो दो इंडिविजुअल हमने लिया है जिसको क्रॉस करा रहे हैं वो जेनोटाइपिकली डिफरेंट है, तो उसका F1 जनरेशन हमेशा क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा, क्लियर है, समझिएगा, हाइब्रिड वर्ड लिखने का मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ऑफ डिफरेंट जेनोटाइप्स एंड मेंडल ऑलवेज टेकन पेरेंट्स इन प्योर फॉर्म। हम अपनी कहानी थोड़े बात कर रहे हैं, हम तो मेंडल की बात कर रहे हैं, तो मेंडल साहब ने जब भी क्रॉस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग ऑफ द क्रॉस में जो इंडिविजुअल थे उनको पेरेंट बोला था, पेरेंट्स, और पेरेंट्स को हमेशा प्योर फॉर्म में लिया था, तो उसका आगे का जनरेशन क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा, तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, क्लियर है। अब देखो अब यहां से इसको आगे एक्सप्लेन पूरा करेंगे। अब देखो क्या है, लिखा रहता है पी जनरेशन, तो ये क्या है, कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, पी का मतलब पेरेंटल, जनरेशन मतलब जनरेशन, तो पेरेंटल जनरेशन को कैसे डिफाइन कीजिएगा, जहां से क्रॉस स्टार्ट हो रहा है जिस इंडिविजुअल से उसको हम पेरेंट्स बोलेंगे, और मेंडल ऑलवेज टेकन प्योर फॉर्म ट्रू ब्रिड, समझ में आ रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में पेरेंट्स को लिया था, क्लियर। ये चीज आपके एंट्रेंस में एक बार सवाल पूछा कि जैसे ये हमने लिखा है ना, रॉन्ड येलो सीड एंड रिंकल ग्रीन, इन दोनों में से कौन मेल कौन फीमेल,
सवाल पूछ लिया, कोई मतलब नहीं है। तो मेंडल साहब ने हमेशा डोमिनेंट को मेल रखा, कंसीडर किया, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर किया, और रिसेसिव को फीमेल कंसीडर किया। तो सर कंसीडर किया का मतलब क्या है, क्योंकि पी प्लांट क्या है, ना मेल है ना फीमेल, दोनों है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो जिसको फीमेल कंसीडर कर रहे हैं उसको एज इट इज छोड़ दें, और जिसको मेल कंसीडर कर रहे हैं उसको एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स बाइसेक्सुअल का मेल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन जिसको फीमेल बोल रहे ना उसमें इमैस्कुलेशन किया गया। इमैस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमेन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर है। तो सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मेंडल ने डोमिनेंट को मेल कंसीडर किया और रिसेसिव को फीमेल कंसीडर किया, क्लियर। आइए पी जनरेशन, अब देखो पी जनरेशन का आगे आ गया, जब पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद का जनरेशन आता है, उसको हम फिलियल जनरेशन बोलते हैं। तो देखो फिलियल जनरेशन, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है एफ जनरेशन, तो एफ का मतलब फिलियल। अब देखो फिलियल क्यों लिख दिया, तो देखो फिलिया मतलब डॉटर, फिलस मतलब सन, याद रखिएगा, क्योंकि आगे का जनरेशन होगा तो डॉटर होंगे सन होंगे, ठीक है। तो यहां पर फिलियल जनरेशन, फिलियल का मतलब हुआ क्या है, एफ का मतलब फिलियल, और फिलियल वर्ड कहां से, फिलिया और फिलस मतलब सन और क्या है डॉटर, दिस इज सन एंड दिस इज डॉटर, क्लियर। अब देखो आगे देखो क्या लिखा होता है, एफ वन जनरेशन एंड एफ टू जनरेशन, तो एफ वन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, एफ टू मतलब सेकंड फिलियल जनरेशन, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको देखो, कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी से, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, इसका जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसका जो गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ये फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। तो इसको आप पी जनरेशन बोलेंगे, और ये है गैमेट, और उसके बाद जो आया इसी को एफ वन जनरेशन बोलिए, आ रहा है। तो आपसे पूछेगा एफ वन जनरेशन का मतलब जनरेशन ऑप्टेन बाय ब्रीडिंग और क्रॉसिंग क्या, पेरेंट्स को जब क्रॉस करते हैं उसके बाद जो जनरेशन आता है वो एफ वन जनरेशन कहलाता है, एंड एफ वन जनरेशन ऑलवेज इन हाइब्रिड कंडीशन, क्लियर। क्योंकि मेंडल की कहानी पढ़ दें, मेंडल ने हमेशा क्या लिया था, पेरेंट्स को प्योर फॉर्म में लिया था। आइए अब आप इन्हीं को क्या कर दें, सेल्फिंग। अब देखो कंफ्यूजन होता है, कहीं सेल्फिंग लिखा होता है, कहीं सिब मेटिंग लिखा होता है। तो प्लांट के केस में सेल्फिंग, एनिमल के केस में सिब मेटिंग, सिब मेटिंग मतलब सिबलिंग, सेल्फिंग, क्लियर। अभी हम बताएंगे सेल्फिंग का मतलब क्या होता है। देखो तो अब सेल्फिंग आप ये समझ लो, पहले आप देख लो, इसके बाद मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग का मतलब समझना। इन केस ऑफ प्लांट व्हेन वी क्रॉस प्लांट्स, ठीक है, ऑफ सेम जनरेशन, अगर प्लांट इंडिविजुअल सेम जनरेशन का आपस में क्रॉस हो रहा है तो उसको आप सेल्फिंग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब सवाल ये आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन अलग है, ध्यान रखिएगा। सेल्फिंग का मतलब इंडिविजुअल अलग है लेकिन सेम जनरेशन का है, तो उसको आप सेल्फिंग बोल दीजिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, आ रहा है समझ में, क्लियर। आइए अब देखो इसके बाद जो जनरेशन ऑप्टेन होगा, तो ये F2 जनरेशन कहलाएगा, क्या, F2 जनरेशन, क्लियर है। आइए तो फर्स्ट F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हमने आपको बता दिया, ठीक है, और क्या है, फिर इसके बाद आप याद रखिएगा F1 जनरेशन क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
ठीक, एफ ये आगे हम पढ़ेंगे। एफ टू जनरेशन क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ कैमेट, कैमेट्स ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो आप याद करो, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया, ठीक है, यहाँ से कैपिटल टी आ रहा था, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल हो गया, मतलब स्मॉल टी क्या अपने आप को भूल गया, समझिएगा। फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया तो फिर क्या आया? दो कैपिटल टी आया, दो इस कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, एंड स्मॉल टी आया, मतलब रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर इन एफ टू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आ रहा है? मतलब नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि प्री मेंडलिज्म को हमने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोला था। क्लियर है? अब आ जाइए आगे की बात करें हम, तो प्योर लाइन, एक बात और आ गया, क्या प्योर लाइन? तो बताओ ये प्योर लाइन क्या होता है? ऐसा लाइन जो प्योर है सर, क्या ऐसा लाइन जो प्योर है उसको हम प्योर लाइन बोलेंगे? नहीं। तो देखिए प्योर लाइन कहने का मतलब ऐसे समझो, सिंपल सा क्या समझोगे, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी एंड फॉर मेनी जनरेशन वी ऑप्टेन कैपिटल टी, फिर इसको क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दिया, फिर हमने क्या ऑप्टेन किया, कैपिटल टी। इसी तरह स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी और इसको हमने क्रॉस कराया तो फिर आगे स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया तो आगे स्मॉल टी आ रहा है। तो क्या है, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टेन करने के लिए जो क्रॉस कराते हैं और उनका जो क्या है ऑफस्प्रिंग आता है उसको प्योर ब्रीड बोलते हैं और उस फेरोमेनन को प्योर ब्रीडिंग बोलेंगे। क्लियर है? और उसको हम मेंडल साहब ने क्या बोला, प्योर लाइन पढ़ा, ठीक है, क्लियर है। तो प्योर लाइन कहने का मतलब, टर्म किसने दिया, जॉहनसन ने दिया, ठीक है, अ सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग जनरेशन हैविंग होमोजाइगस जेनोटाइप। देखो होमोजाइगस जेनोटाइप, क्लियर है, द जेनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओनली वन टाइप। देखो अब ये देखो, जैसे मान लो आप इस चीज को हटाते हैं, ऐसे भी समझिएगा, अभी जो इससे पहले हमने लिखा था कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, बोलो क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, क्लियर। अब जब हम इनका क्या कराया, सेल्फिंग, फिर से है ना सेल्फिंग, तो देखो कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, तो ये दो तो प्योर फॉर्म आ गया फिर से ये, ठीक है, ये चीज। फिर इसको आपस में क्रॉस करा देंगे, इसको आपस में करा देंगे तो पूरा का पूरा सेम आ जाएगा, फिर इसको कराएंगे फिर से ऐसा आ जाएगा। तो प्योर लाइन कहने का मतलब सेम जेनोटाइप, क्लियर। अब देखो एक बात और है जो हमें लगता है कि आपके इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, और ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या है, पिनेट स्क्वायर। पिनेट स्क्वायर जिसको हम चेकर बोर्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो सवाल ये किसने दिया, रेजिनाल्ड सी पिनेट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, किसने दिया, रेजिनाल्ड सी पिनेट, क्लियर है। और ये भी दे रखा है ब्रिटिश जेनेटिस्ट, तो उसको दूसरे टर्म में हम इंग्लिश जेनेटिस्ट सवाल पूछ सकता है। तो इन्होंने किया क्या, जो मेंडल साहब क्रॉस करा रहे थे, क्रॉस कराने के बाद गैमिट इधर से इधर ऐसे जा रहा था, उसी चीज को आसान तरीके से करने के लिए इन्होंने क्या दिया, बॉक्स दिया। और क्या है बॉक्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स मीन्स स्क्वायर, अन पर्टिकुलर स्क्वायर रिप्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्लियर है। अब देखिए तो इसको हम बोलेंगे अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से था। ऐसे, ठीक है, तो हॉरिजेंटल रो में इन्होंने क्या रखा, मेल गैमेट को, और वर्टिकल रो में फीमेल गैमेट। देखो पिनेट स्क्वायर हम बात करें तो रेजिनाल्ड सी पिनेट ने दिया, और ये क्या है, सिंपल, पिनेट स्क्वायर यूज टू एग्जामिन द जेनोटाइप आउटकम probability of offspring, clear hai, of a trait. The Pinet square is a visual representation of the Mendelian inheritance. इन्होंने क्या किया, horizontal row में female gamete को रखा और vertical row में male gamete को, चलो ये उतार लो, ठीक है, उतार लें आप लोग इसको।
देखिए इसके बाद जो है ना एक चीज़ और होता है, क्या है, हम होमोलोगस क्रोमोसोम, हम होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पिनेट स्क्वायर, देखो आपके इंटरेस्ट में सवाल पूछा जा सकता है, किसने दिया, रेजिनाल्ड सी पिनेट ने दिया। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, मेंडेलियन क्रॉस का। इसमें क्या है, पिनेट स्क्वायर में जो है हॉरिजेंटल रो में किसको रखते हैं, फीमेल गैमेट को, वर्टिकल रो में किसको रखते हैं, मेल गैमेट को, ठीक है। अब यहाँ से देखो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील तो हमने बता ही दिया था, अब यहाँ पर एक चीज आता है, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, वेयर अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, हैविंग सिमिलर शेप साइज एंड पोजिशन ऑफ जीन ऑन दैट क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, जीन का फंक्शन भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या होगा, क्रोमोसोम का शेप साइज और पोजीशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैसे क्रोमोसोम को हम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, क्लियर है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या है वो, तो देखिए क्या लिखा है, ओरिजिनल अनमॉडिफाइड और वाइल्ड एलील बात करेंगे, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट एलील। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनमॉडिफाइड मेनली क्या है, अनमॉडिफाइड को हम समझाना चाह रहे हैं। देखो यहां पर क्या है, आपने पढ़ा होगा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। तो क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल एंजाइम बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मल फेनोटाइप आएंगे, जिसको आप डोमिनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। अब देखिए क्या हुआ, इसी के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन। तो अब ये क्या हो गया, मॉडिफाइड या आप रिसेसिव एलील बोल देंगे। तो इस केस में मॉडिफाइड मतलब म्यूटेशन हुआ, तो एक तो होगा क्या हो गया, मिस सेंस, मतलब क्या होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो बनेगा लेकिन वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नॉन सेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन होगा, तो यहां पर अब एंजाइम ही नहीं बनेगा, नो एंजाइम, तो फिर क्या होगा, इनकी वजह कर क्या होगा, नो फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो इसी को हम बोल देते हैं रेसेसिव, क्लियर है कि नहीं, तो इसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोल देंगे, इसको रेसेसिव कैरेक्टर। तो ये था मतलब सिंपल, क्या है आपको, अनमॉडिफाइड मतलब नो म्यूटेशन, मतलब कैरेक्टर नॉर्मली एक्सप्रेस कर रहा, म्यूटेशन हो जाएगा उसको हम बोल देंगे मॉडिफाइड, और उसी को दूसरे टर्म में हम रेसेसिव बात करेंगे, क्लियर। बस आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी में लिखा, और कुछ नहीं आप। अब देखो होमोलोगस हमने आपको बता दिया, अब देखो थोड़ा सा एक चीज और आता है कि कहीं पर लोग क्या है ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज कर लेते हैं और कहीं पर लोग क्या यूज कर लेते हैं प्रोजेनी। तो ऐसा नहीं कहीं पर कुछ भी यूज कर ले, ऐसा नहीं आप क्यों, क्योंकि अब आप समझेंगे कि हम कहीं पर भी ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जो सिंपल बात करें कि पेरेंट से जो नया जनरेशन आ रहा है उसको आप ऑफस्प्रिंग उसको आप प्रोजेनी बोलेंगे, लेकिन प्रोजेनी में क्या होगा, अगर प्रोजेनी का प्रोडक्शन जो हो रहा है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब आप जाकर उसको क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोजेनी आ रहा है तो उसको आप डॉटर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज्ड फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, समझिएगा, ठीक है। दूसरा आता है क्या है, सिबलिंग।
तो सिबलिंग क्या होता है, क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एट अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक क्या आ गया, प्रोजेनी आया, दैट इज ऑफस्प्रिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से क्या हुआ, क्वेटस मेटिंग हुआ, फिर एक नया क्या प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग आया, तो उन दोनों को आपस में हम सिबलिंग बोलते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे आपस में सिबलिंग कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगला वर्ड आता है ट्विंस, तो ट्विंस क्या होता है, इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट अ टाइम, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ट्विंस बोलेंगे, ठीक है। तो ट्विंस दो टाइप का होता है, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप किसको बोलिएगा, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हम बोलेंगे एक ही जाइगोट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन को हम मोनोजाइगोटिक बोलेंगे। डाइजाइगोटिक किसको बोलेंगे, क्या है, टू डिफरेंट जाइगोट से इंडिविजुअल बनेगा, तो उसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक ही का जीन दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन डाइजाइगोटिक को नॉन आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, क्लियर। तो ये था टर्मिनोलॉजी, और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी खत्म होता है। अब हम आपको कुछ कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे समझाएंगे। तो अब हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, पोस्टुलेट एंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल। तो पोस्टुलेट एंड लॉ ऑफ मेंडल बात करें तो क्या है, मेंडल साहब ने टोटल 4 पोस्टुलेट दिया था, 4। तो फिर क्या है 4 पोस्टुलेट, तो देखिए, तो मेंडल साहब ने क्या 4 दिया था, 4 में से फर्स्ट 3 जो है वो मोनोहाइब्रिड पे वैलिड है, लेकिन लास्ट 1 जो है वो क्या है, डाईहाइब्रिड पे वैलिड है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब हम बात करें हाइपोथेसिस, अभी देखो हाइपोथेसिस आपको पता होगा किसको बोलते हैं, किसको, जो जिन जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना किया गया उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, क्लियर है। आइए तो ये हमने क्या है, हाइपोथेसिस फर्स्ट हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम, हाइपोथेसिस फर्स्ट, जिसको आप क्या बोलिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, पेयर्ड यूनिट फैक्टर। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट, प्रिंसिपल बोलो या लॉ ऑफ क्या है, पेयर्ड यूनिट फैक्टर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अ कैरेक्टर, जैसे देखिए अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है। देखो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था, ठीक है, उसी को क्या है, जीन या एलील हम बात करें, फॉर्म ऑफ जीन को एलील बोलते हैं। इन्होंने ये बोला, जैसे आप एक ये ले लीजिए, इसको ऐसे सिंपल समझते हैं, स्टेम हाइट है, अब स्टेम हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, क्लियर। अब इसके लिए क्या होगा, स्टेम हाइट में देखो एक क्या हो गया, टॉल हो गया, और एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, क्लियर है। तो अब टॉल में भी आप क्या बात करेंगे, एक होमोजाइगस टॉल, और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, कैपिटल टी के साथ कौन आ रहा है, कैपिटल टी, तब जाकर के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल। अब देखो यहां पर कैपिटल टी के साथ क्या आया, स्मॉल टी, तब जाकर के वो हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। अब देखो स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आया, तो ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, मतलब कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस टॉलनेस कैरेक्टर, ठीक है, स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ड्वार्फनेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्वार्फनेस। लेकिन ये टॉल और ड्वार्फ कब होगा? तो देखो क्या है, जब ये इसके साथ कुछ भी आए तो ये होगा जाकर के क्या, टॉल। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे लिख दो, तो फेनोटाइपिकली क्या हो गया, ये टॉल। अब ये भी क्या होगा, कब, स्मॉल टी, स्मॉल टी, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये ड्वार्फ। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर यही चीज बोला था, क्या, अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड जेनेटिकली इन एन इंडिविजुअल बाय टू यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस इन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये चीज है। अब देखो यहां पर जो है कि ये क्या, होमोजाइगस हेटरोजाइगस हमने बता दिया, लेकिन ये कंडीशन देखिए, हेमीजाइगस कंडीशन इज प्रेजेंट इन गैमेट और हैप्लोइड सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? हेमीजाइगस कंडीशन। अब देखो ये इसके लिए था ना, हेमीजाइगस कंडीशन कहने का मतलब यही बताया, हैप्लोइड कंडीशन मतलब एक जीन का दो फॉर्म, लेकिन उसका एक फॉर्म कहां एग्जिस्ट करेगा, जीन गैमेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना? तो वो, तो आपने हेमीजाइगस का मतलब भी यही बोला था, पेयर में एक ही फॉर्म आएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसी तरह क्या है, आप क्या था बताया था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बात कर लो, तो वहां पर भी क्या है, तो मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड इंडिविजुअल। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, ये सब कंडीशन था जो कि फर्स्ट हाइपोथेसिस में मेंडल साहब ने बोला था। अब इसका एक्सेप्शन बता दो, किस पे ये वैलिड नहीं होगा? तो इन्होंने क्या बोला, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पेयर्ड यूनिट फैक्टर, इसका मतलब एक जीन के दो फॉर्म, और आप एक चीज पढ़ चुके हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। तो मल्टीपल एलेलिज्म इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ मेंडलिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक जीन के मोर देन टू फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या आई जीन है तो आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई ले लीजिए। क्लियर है? तो ये बात थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, हाइपोथेसिस। अब यहां पर हाइपोथेसिस क्या है, सेकंड। तो सेकंड हाइपोथेसिस बात करने से पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बात करें। क्लियर है ना? हाइपोथेसिस वन का मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, दैट मींस क्या हो गया, एक एलील जीन का पेयर आएगा और पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ये हमने बताया। और गैमिट में क्या है, जीन का एक ही फॉर्म होता है, हेमीजाइगस। उसके बाद हमने बोला सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और उसमें क्या होगा, जैसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया तो मेल हम बात करें तो ऑलवेज क्या है, हेमीजाइगस, क्योंकि पेयर में एक ही रहेगा। क्लियर? आइए, हमने बताया ये किसके लिए वैलिड नहीं होगा, मल्टीपल एलेलिज्म, क्योंकि एक जीन का कितना होता है, दो फॉर्म, दो से ज्यादा फॉर्म होता है। जैसे ब्लड ग्रुप आप ले लें जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लियर? अब देखो तो हम यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बात कर लें, तो ध्यान दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आपको डेफिनेशन बता चुके। तो देखो यहां पर ये टॉल, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, टॉल, ठीक है, ऐसे लिख दें, ये क्या है, टॉल, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, ड्वार्फ, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये पी जनरेशन। अब देखो यहां से क्या हो गया, कैपिटल टी, ऐसा ऐसा दो बनेगा, यहां से भी ऐसा ऐसा दो बनेगा कैपिटल टी। अब ये क्या हो गया, आपस में फ्यूज कर गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? अब ऐसे, तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, चलो इसको ऐसे आप देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये आपस में फ्यूज किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इधर फ्यूज किया कैपिटल टी स्मॉल टी,
ये इधर फ्यूज किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इधर फ्यूज किया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया एफ वन जनरेशन हो गया। अब हमने आपको बताया इसको क्या करना है, सेल्फिंग करना है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चीज तो अब देखो ये क्या हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स इसको क्या बोलिएगा आप, एफ टू जनरेशन। अब देखो एफ टू जनरेशन में दिस इज प्योर टॉल एंड दिस टू इज हाइब्रिड टॉल, या इसको होमोजाइगस टॉल, इसको हेटरोजाइगस टॉल, और इसको ड्वार्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। क्लियर है ना। अब देखो तो जेनोटिपिक रेशियो, अब एक और टर्म आ गया जेनोटिपिक रेशियो, रेशियो इन टर्म ऑफ जेनोटाइप, रेशियो इन टर्म ऑफ फेनोटाइप, तो फेनोटिपिक रेशियो हम बात करेंगे। तो देखो क्या हो गया वन टू वन, रेशियो इन टर्म ऑफ फेनोटाइप फेनोटिपिक रेशियो, तो ये दोनों मिला करके क्या है टॉल है, तो थ्री वन, दैट मीन्स वन इज टू टू इज टू वन इज अ जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड थ्री इज टू वन इज अ फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। तो ये था इसी चीज को जो आप ये देख रहे हैं ना, हमने आपको बताया था इससे पहले कि क्या कर दिया पिनेट स्क्वायर ले आए, ये देखिए ऐसे कर दिया कैपिटल टी ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर हो गया पिनेट। चेकरबोर्ड मेथड किसने दिया, रेजिनाल्ड सी पिनेट, आर सी पिनेट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लें इसी तरह। तो यहां पर क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस टॉल स्मॉल टी क्या हो गया ड्वार्फ। तो ये था पिनेट स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाएंगे हम कहां, हाइपोथेसिस सेकंड पे आ रहा है, तो यहां से रेशियो ध्यान रखिएगा। आइए तो हाइपोथेसिस सेकंड आप बात करें तो क्या है, इसको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपो ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि मेंडल साहब ने कोई लॉ वॉ नहीं दिया था डोमिनेंस, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपने पढ़ा, यहां पर क्या बोलेगा, वेन अ प्योर डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ प्योर रेसेसिव। अब देखो रेसेसिव के लिए होमोजाइगस वर्ड यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या प्योर वर्ड यूज करो या ना, क्योंकि रेसेसिव के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है लेकिन डोमिनेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी है। क्लियर। तो आइए देखिए क्या है, व्हेन अ प्योर डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ प्योर रेसेसिव ऑर्गेनिज्म देन ऑल द ऑफस्प्रिंग इन एफ वन जनरेशन विल बी डोमिनेंट, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन हाइब्रिड। तो आपसे यह सवाल बनेगा एफ वन जनरेशन किसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है। तो देखिए तो अब इस बात को ऐसे देखिए, जो अभी आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी इनको आपस में क्रॉस कर दिया, ये भी प्योर डोमिनेंट हो गया और ये रेसेसिव। देखो यहां से क्या आ गया कैपिटल टी गैमेट आ गया, यहां से स्मॉल टी आ गया। अब ये और ये आपस में फ्यूज किया तो बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर टॉलनेस नॉट टॉल, दिस इज फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर। बट इट इज टॉल,
क्या बोलोगे? फेनोटाइपिकली, क्या हो गया ये? टॉल। अब जेनोटाइपिकली हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड टॉल, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड टॉल, क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या देखा गया, जब पेयर में टू डिफरेंट एलील्स आ रहे हैं, जब पेयर में टू डिफरेंट एलील्स आ रहे हैं तो वन इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील एंड दिस इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था, क्या? जब दो डिफरेंट एलील्स एक साथ आएंगे और जो एक जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट बोलिएगा, जो सप्रेस होगा उसको आप रिसेसिव बोलेंगे, क्लियर है? कोई परेशानी? तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस बट इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, क्लियर है? तो ये चीज था। अब यहां पर बात आ जाएगी कि इसके लिए भी एक्सेप्शन क्या है, जो कि हम पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ेंगे, क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ क्या है, सॉरी क्या है इसका एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो हम थर्ड हाइपोथेसिस देखते हैं, क्या थर्ड? तो क्या होगा थर्ड, आप खुद सोचिए, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा, सेग्रीगेशन, और इसको और क्या बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो देखिए हाइपोथेसिस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट मीन्स गैमेट ऑलवेज इन प्योर फॉर्म एंड इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करें इनके बारे में, ये लॉ बोलता क्या है, ठीक है? तो देखो हमने क्या बताया था, जब आपको बताया था कि सिंपल आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा या कोई सा भी क्रॉस पढ़ा, तो रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन एफ टू जनरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे? देखो कैपिटल टी है कैपिटल टी, इसको आपने स्मॉल टी है स्मॉल टी से क्रॉस कर दिया, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए, तो मतलब डोमिनेंट टॉल और रिसेसिव ड्वार्फ को क्रॉस कराया, तो एफ वन जनरेशन जो आया, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, ऑल टॉल, ठीक है, फेनोटाइपिकली। जब इसको क्या किया आपने, सेल्फिंग कराया, तो देखा क्या, यहां पर तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्लियर? तो जब आपने सेल्फिंग कराया तो क्या देखा कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दैट मींस क्या हो गया, ये चीज आ रहा है समझ में, रीअपीयरेंस ऑफ क्या है, रेसेसिव, यहां पर जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, इसका मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, आइडेंटिटी मेंटेन है, तो ये बताता है कि गैमेट ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। तो फिर ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर विच रिमेन टूगेदर डू नॉट गेट मिक्स्ड, एक साथ है लेकिन मिक्स्ड नहीं हुआ है, क्लियर, विच कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बना फिर से क्या है, स्मॉल टी साथ में आया, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, और ये क्या है, इट वॉज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, ये बात याद रखना है, किसके अकॉर्डिंग, कार्ल कोरेंस ने बोला, क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, क्लियर है, फर्स्ट लॉ। आगे हम बात करेंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, बट सम साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि नॉन डिसजंक्शन इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
नॉन डिसजंक्शन इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नॉन डिसजंक्शन जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो अब इसको हटा देते हैं. नॉन डिसजंक्शन, क्लियर? नॉन डिसजंक्शन एनसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, इसका मतलब आप नोट कीजिएगा, एनसीआरटी में पढ़िएगा इसको. हम आगे म्यूटेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे. नॉन डिसजंक्शन इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू द सम साइंटिस्ट. क्लियर? तो जैसे ह्यूमन में बात कर लो, 2n = 46 होता है, नॉर्मली होता है. क्लियर? अब क्या होगा, यहां देखिए इनका क्या हो गया, ऐसे बात करें 2n = 46. अब ये देख लो क्या है, n 2n = 44 + xy. ये बात करें 2n = 44 + xx. तो ये क्या हो गया, फीमेल. ये क्या हो गया, मेल. और ये फीमेल. क्लियर? अब इनका देखो गैमेट बना दीजिए आप, n = 22 + x, n = 22 + y. क्लियर? अब यहां पर देखो क्या हो गया, n = 22 + x. क्लियर? अब हम इनको, इस ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, तो 2n = 44 + x0 आ गया. और ये अगर हम बात करें, ठीक है, किन से, इनसे फ्यूज करता है, तो देखो क्या आ गया, 2n = 44 + xxx हो गया. और ये अगर इनसे फ्यूज करता है तो 2n = 44 + y0 हो गया. और अगर ये इनसे फ्यूज करता है तो 2n = 44 + xxy. दैट मीन्स नॉर्मल से अलग हो गए. तो इसको आप क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम. इसको आप सुपर फीमेल बोलते हैं. इसको आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल मेल बोल, ये स्टेराइल मेल बोलेंगे. इसको आप क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. तो यहां पर क्या हो गया, एबनॉर्मलिटीज, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कॉज एबनॉर्मलिटीज हो गया. तो ये नॉन डिसजंक्शन मतलब सारे के सारे लास्ट 23rd पेयर सेग्रीगेट नहीं कर पाए. तो इसको आप बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. देखो फोर्थ जो हाइपोथेसिस है, पॉस्टुलेट जो भी बोले, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. ओके, चलिए.